उसका बेटा अंग्रेजी पढ़ लेता है, उसका बेटा अंग्रेजी लिख लेता है, उसका बेटा अंग्रेजी बोल लेता है। आप अंग्रेजी बोल लेते हो, आप अंग्रेजी समझ लेते हो, आप अंग्रेजी लिख लेते हो। उसका बेटा कार चला लेता है, आप कार चला लेते हो। उसका बेटा खाना बना लेता है, आप खाना बना लेते हो। इन सारे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखें। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अशोका इंग्लिश स्टडी। एज यू नो गाइस, एवरी डे वी लर्न एन एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर एंड टुडे वी लर्न एन एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रक्चर, इफ यू आर न्यू व्यूअर, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइबर इन दिस चैनल, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, टू हिट द बेल आइकन। सो लेट्स अंडरस्टैंड टुडेज द स्ट्रक्चर हियर। आइए समझते हैं आज का एडवांस स्ट्रक्चर है। देखिये, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे या सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद इज एम आर तीन में से एक लिखना है, एक बोलना है। उसके बाद एबल टू यूज करेंगे, एबल टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म जो है एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। देखेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा ये स्ट्रक्चर। देखिये, वो अंग्रेजी पढ़ लेता है, वो अंग्रेजी पढ़ लेता है तो इज एबल टू रीड इंग्लिश। नेक्स्ट है, आप खाना बना लेते हो, बोलेंगे यू आर एबल टू कुक फूड। नेक्स्ट है, वह अंग्रेजी बोल लेता है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी लिख लेता हूँ, आई एम एबल टू राइट इंग्लिश। नेक्स्ट है, वह बाइक चला लेता, ही इज एबल टू राइड ए बाइक। आप लोग का पता है इन सारे सेंटेंसों को आप लोग डेली यूज करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ आप लोगों के लिए इसी प्रकार से आप लोग एक सेंटेंस बनाएंगे, आप लोग अंग्रेजी समझ लेते हो, तो आप लोग अंग्रेजी समझ लेते हो तो बोलेंगे, आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो माँ सरस्वती के नाम से दबा कर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, न्यू व्यूअर होंगे तो थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं एक नए स्ट्रक्चर के साथ में। थैंक यू गाइज़।